श्रेया नाम की एक लड़की थी। बचपन से ही उसके बाल एकदम लाल रंग के थे। हर कोई उसे देखकर चौंक जाता था, क्योंकि श्रेया के घर में और किसी के बाल लाल रंग के नहीं थे। गांव में सबको लगता था कि श्रेया के बाल खून जैसे इतने लाल किस लिए हैं, क्योंकि वो चुड़ैल की बेटी है। जब श्रेया पैदा हुई, उसी के बाद उसके पापा और दादा दादी सबकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद से उसकी माँ ही उसे अकेले पाल रही थी। एक दिन वो रोते हुए घर आती है। क्या हुआ श्रेया, तुम रो क्यों रही हो? ऐसी क्या बात हो गई है? फिर से किसी से लड़ाई करके आई हो क्या तुम? नहीं माँ, मैंने किसी से कोई लड़ाई नहीं की है। उल्टा वो सब बच्चे मुझे चुड़ैल चुड़ैल कहकर चिढ़ाते हैं। मेरे ये लाल बाल को कलर करके आप अपनी तरह से बना दो ना, एकदम काला काला। अरे रोना बंद कर पहले, मैंने तो कितनी ही बार तेरे बाल काले करने की कोशिश की, मगर इनका लाल रंग इतना गहरा है कि इन पर कोई और रंग चढ़ता ही नहीं। और कुछ गलत नहीं कहते गांव वाले, सही ही कहते हैं अब। क्या आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ, अब आप भी मुझे ऐसे कहोगी? अरे तो और क्या करूँ, जब से इस दुनिया में आई है मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर जाती। काश मेरी बाकी बच्चों जैसी आम बच्ची पैदा होती तो ये दिन देखने ही न पड़ते। ये सुनकर श्रेया को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को धक्का दे देती है, लेकिन उसका धक्का इतनी जोर का था कि उसकी माँ सीधा जाकर दीवार पर टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। आह आह, अरे मेरी कमर, हाय आज तो मेरी कमर ही टूट गई लगता है। श्रेया की माँ सरिता के ऐसे रोने की आवाज सुनकर आसपास के सभी पड़ोसी घर आ जाते हैं और वो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। छोटी श्रेया की आंखें उसके बालों की तरह एकदम लाल लाल थी और वो गुस्से में अपनी माँ की तरफ देख रही थी। अरे आज तो इसने अपनी माँ को धक्का दिया है, देखना कल कोई और भी खतरनाक हो जाएगी, इससे हम सभी को खतरा है। लेकिन अचानक से वो पहली जैसी हो जाती है। माँ माँ मुझे माफ कर दो, पता नहीं ये क्या हो गया माँ, अनजाने में धक्का जोर से लग गया। इन लोगों की बातें मत सुनो माँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। दूर हट जा मुझसे, मुझे तो लगता है कि तू सच में कोई चुड़ैल ही है, ना जाने मैंने क्यों तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। हाँ सरिता बहन, ये चुड़ैल ही है, जब पैदा हुई अपने पिता और दादा दादी को खा गई। अब तो मैं कहती हूँ इसे घर से भगा दो, वरना अगला तुम्हारा ही नंबर होगा। नहीं नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा मत कहो, मुझे यहाँ से मत भगाओ। नहीं अब बस बहुत हो गया, मैं थक चुकी हूँ तुझसे, कब तक तेरा बोझ उठाऊं? गांव वालों तुम लोग ही इसे यहाँ से ले जाओ और जंगल के बीच छोड़ाओ, अंधेरा होने के बाद वहाँ से इसका जिंदा लौटना बहुत मुश्किल होगा। फिर क्या था, कुछ गांव वाले श्रेया को ले जाकर जंगल के बीचों बीच छोड़ देते हैं, और यही नहीं वो उसे बांध कर छोड़ते हैं ताकि वो वापस ना आ सके। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही अंधेरा हो जाता है। श्रेया को वहाँ बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो बहुत देर तक जोर जोर से रोती रहती है, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए आसपास कोई भी नहीं था। जब बहुत देर तक उसे लेने कोई नहीं आता, तब उसे अचानक से बहुत गुस्सा आता है और उसकी आंखें फिर से लाल लाल हो जाती हैं। यही नहीं, उसके बाल भी तेजी से बढ़ने लगते हैं और लंबे हो जाते हैं। श्रेया एक ही झटके में अपनी ताकत से वो रस्सी को तोड़ देती है जिससे वो बंधी थी। ये मुझे क्या हो रहा है, और मेरे अंदर इतनी ताकत भी आ गई है कि मैंने झट से रस्सी तोड़ दी। थोड़ी ही देर में श्रेया एक बड़ी चुड़ैल में बदल जाती है जिसके लंबे लाल बाल थे और उसकी आंखें भी एकदम लाल लाल थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर वो बस किसी इंसान को मारकर खाना चाहती थी क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। अब मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, इतना ज्यादा कि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। उफ़ो, मुझे आखिर क्या हो रहा है। श्रेया जंगल से बाहर आने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। आखिर में चलते चलते श्रेया को एक घर दिखता है, वो घर देखकर चौंक जाती है। ये क्या, ऐसे घने जंगल के बीच घर, मुझे नहीं लगता यह। श्रेया घर के अंदर जाती है और अंदर का हाल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहाँ अंदर एक बहुत ही बूढ़ी चुड़ैल पड़ी सो रही थी जिसके श्रेया के जैसे ही लाल बाल थे। कौन हो तुम और तुम्हारे ये बाल मेरे जैसे क्यों हैं? जल्दी सब कुछ सच सच बता दो।
श्रेया की आवाज सुनकर बूढ़ी चुड़ैल जग जाती है। वो जैसे ही श्रेया को देखती है खुशी के मारे उसे गले से लगा लेती है। बेटा तुम आ गई, मैं तो इतनी बूढ़ी और कमजोर हो चुकी हूँ कि शायद कभी तुम्हें ढूंढने गांव तक ना आ पाती, लेकिन आखिरकार तुम खुद ही अपनी माँ के पास चली आई। क्या माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ? मगर मेरी माँ तो गांव में है। क्या नहीं बेटा, वो तेरी असली माँ नहीं है, तेरी माँ तो मैं हूँ, देख तेरे बाल, वो सबूत है कि मैं ही तेरी माँ हूँ। अगर तुम सच कह रही हो तो फिर मैं वहाँ उस गांव में कैसे पहुँची, और इतने सालों तक तुमने मुझे कभी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम भी मुझे भूल गई थी क्या, या तुम्हें भी मैं पसंद नहीं थी जैसे किसी को पसंद नहीं हूँ? श्रेया ये बहुत पहले की बात है, मैं इसी जंगल में रहती थी और यहाँ के जानवरों को मार कर अपना पेट भरती थी। एक दिन एक इंसान यहाँ जंगल में आया लकड़ियाँ काटने, मैं उसे देखकर डर गई कि कहीं ये मुझे नुकसान न पहुँचाए, इसीलिए मैं उसे मार नहीं जा रही थी, मगर उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फिर वो अक्सर यहाँ लकड़ियाँ काटने आने लगा और धीमे धीमे मुझे उससे प्यार हो गया। फिर एक दिन तुम इस दुनिया में आई, मगर उस आदमी को ये डर था कि अगर उसकी बेटी यहाँ मेरे पास रही तो मेरे जैसे ही बन जाएगी, इसीलिए उसने मुझे बहुत मारा और बेहोश कर दिया और तुम्हें चुरा कर वो गांव में ले गया, और इसलिए उसने तुम्हें किसी घर में छिपा दिया, और उस घर में जो बच्चा पैदा हुआ उसे मेरे पास ले आया, और वो मुझसे कहने लगा कि वो दूसरा बच्चा मेरा बच्चा था, लेकिन मैं सच जानती थी, इसलिए मैंने उस आदमी और उस बच्चे दोनों को ही मार दिया। क्या ये सच है? देखो अगर तुम झूठ बोल रही हो ना तो तुम्हारी खैर नहीं। इससे पहले कि श्रेया कुछ कहती, चुड़ैल जादू करती है और अपनी सारी बची हुई शक्तियाँ श्रेया के अंदर डाल देती है। ऐसा करते ही वो खुद हवा में गायब हो जाती है। ये क्या हो रहा है? तो क्या अब सच में मैं एक चुड़ैल हूँ जिसका सभी गांव वालों को डर था? मैं वही हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अब मैं उन सबको जाकर खत्म कर दूंगी, और सबसे पहले उस माँ को। श्रेया जल्दी से गांव पहुंचती है और हर तरफ अपनी माँ को ढूंढने लगती है, मगर उसे उसकी माँ कहीं नहीं दिखती, ना अपने घर में ना गांव में। कब से ढूंढे जा रही हूँ मगर वो तो कहीं मिल ही नहीं रही। अब तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। धीमे धीमे श्रेया का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो पूरे गाँव में तबाही मचा देती है। वो हर गाँव वाले को मार देती है और घरों में अपनी शक्तियों से आग लगा देती है। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती ही है कि तभी वो औरत श्रेया से कहती है, नहीं नहीं रुक जाओ, मुझे छोड़ दो, तुम तो अपनी माँ को ढूंढ रही हो ना, मुझे पता है वो कहाँ है। क्या तुझे पता है तो जल्दी बताना कहाँ है वो, मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। वो जब सब गाँव वाले उसकी बच्ची को लेकर जंगल में छोड़ आए थे, उसके थोड़ी देर बाद ही वो दौड़ते हुए जंगल में गई, पता नहीं क्यों वो तुम्हें वहीं मिलेगी। ये सुनकर श्रेया चौंक जाती है। वो सीधा जंगल की तरफ भागती है और अपनी माँ को मारने के लिए उसे ढूंढने लगती है। थोड़ी ही देर में उसे जंगल में अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। वो धीरे से उस आवाज़ के पीछे जाती है। श्रेया एक पेड़ के पीछे छिपकर अपनी माँ को देखने लगती है। उसकी माँ थक कर जमीन पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरी छोटी सी बच्ची को इस जंगल में अकेले छोड़ दिया, पता नहीं वो कहाँ होगी, उसे बिना लिए तो मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा पाऊंगी। श्रेया को अपनी माँ को ऐसा रोता हुआ देखकर खुद भी रोना आ जाता है, और अचानक से वो वापस वही छोटी सी बच्ची श्रेया बन जाती है। वो भागते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ तू कहाँ चली गई थी, मैं बहुत डर गई थी, तुमने मुझे इतनी देर अकेला क्यों छोड़ा। श्रेया मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत ढूंढा मगर तू मुझे मिली ही नहीं, मगर अब चल हम घर वापस चलेंगे और हम इस गांव से चले जाएंगे, कहीं दूर जाकर खुशी खुशी रहेंगे। हाँ हाँ माँ चलो, मुझे भी अब यहाँ पर नहीं रहना। आखिर में श्रेया अपनी माँ के साथ चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। श्रेया जंगल में जो कुछ भी हुआ था वो अपनी